फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉलर वाला नेक कटिंग करके बताऊंगी और स्टिचिंग करके बैक कॉलर वाला ओपन नेक, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग हम कैसे करेंगे। तो ये हमने बैक का पल्ला लिया हुआ है, पीछे वाला हमने फ्रंट वाला इससे पहले आपको डिजाइनिंग बनाकर बताई हूँ, और ये मैं बैक वाला बनाऊंगी। तो बैक वाला मैं कॉलर वाला में ओपन नेक बनाऊंगी, तो उसके लिए ये हमने पेस्टिंग लिया है बकड़म, और इसकी हम नाप ले लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 9 इंचेस, ये देखिए, और विड्थ है 7.2 इंचेस। अब इसी में हमें बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरीके से ये लेंगे, और यहाँ से हम लेंगे 3 इंचेस, और एक इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, ये हमने 1.4 इंचेस छोड़ा हुआ है। तो इसी तरह हम यहाँ भी छोड़ लेंगे 1.4 इंचेस, और 3 इंचेस पर एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ इस तरीके से, और इस मार्किंग को हम पहले मिला लेंगे, बिल्कुल बराबर करते हुए। तो ये हमने मिला लिया, और यहाँ इसकी लेंथ देखते हैं, तो ये है 4 इंचेस, तो हम 2 इंचेस पे एक मार्क कर लेते हैं यहाँ 2 इंचेस पे, और यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच इस तरीके से, और एक मार्किंग ये कर लेंगे, और इसको अब इस तरीके से मिला लेंगे यहाँ से इस तरीके से, और फिर यहाँ से मिलाएंगे हम, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे तो वो दिखाते हैं। इसी में हम थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइनिंग इस तरीके से कोना टाइप से निकाल लेंगे इस तरीके से। तो पहले हम इसको सीधा कट कर लेंगे, ये देखिए, यही डिजाइनिंग बर्फी स्टाइल की बनानी है। अब क्या करते हैं, इसमें हम 1 या 1.5 इंच छोड़ते हुए भी कट करेंगे, तो वो भी दिखाते हैं कुछ इस टाइप से। अब क्या करना है, साइड साइड से कट कर लेना है, तो वो हम इस तरीके से लेंगे और साइड वाला कटिंग कर लेंगे, तो वो हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, ताकि हमारा सब इक्वल हो, सब बराबर हो इस तरीके से, और कट कर लेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए। एक्स्ट्रा वाला को हमने निकाल दिया है, और देखते हैं, ये देखिए, तो बहुत प्यारी सी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम फैब्रिक पे लगाएंगे, तो फैब्रिक पे इसको लगाना है कैसे, वो देखिए, इस तरीके से लेंगे, और इसके ऊपर हम इस तरीके से डालते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम एक कच्चा सिलाई लगा लेते हैं, तो वो इसके ऊपर कच्चा सिलाई पहले लगा लेंगे, तो इस तरीके से हमने रफ स्टिच इस पे कर लिया है, कच्ची सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रे वाले धागे को कट कर लेंगे, अब साइड साइड से एक्स्ट्रे कपड़े को कट करेंगे, ये देखिए इस टाइप से, एक्स्ट्रे वाले को हमने कट कर लिया। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, कट्स इसलिए लगाते हैं कि हमें फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो ये कट्स हमने लगा दिया है,
अब साइड से फोल्ड कर लेते हैं इस टाइप से। तो अब फोल्ड करते हैं तो इस टाइप से लेंगे और इसको ऐसे मोड़ लेंगे और सिलाई को लगा देंगे बिल्कुल बराबर करते हुए। तो इस तरीके से हमने पूरे को स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब इसको नेक पे हम अटैच कैसे करते हैं तो चलिए वो देखते हैं, नेक पे अटैच हमें कैसे करना है। तो ये हमने कुर्ती लिया और यहाँ हम सेंटर लगाएंगे और एक कट करेंगे। तो यहाँ हमने सेंटर पे एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हमें एक या डेढ़ इंच छोड़ना है क्योंकि कॉलर भी हमें लगानी है। तो हम एक इंच ही छोड़ते हैं और यहाँ से इसको इस टाइप से मिला लेंगे और नीचे भी देख लेंगे, यहाँ पे इस टाइप से मिलाना है ये। अब बिल्कुल बराबर यहाँ से आ जाएगी यहाँ तक। अब एक हम रफ स्टिच बीचों बीच लगा लेते हैं ताकि हमारा सिलाई इधर उधर नहीं हो। तो इसको मिलाते हुए हम रफ स्टिच एक बीचों बीच लगा लेंगे। ये रफ स्टिच हमने लगा लिया है, इस धागे को कट कर लेंगे, नीचे से भी कट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, जैसे जैसे इसकी डिजाइनिंग है बस वैसे हमें सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग कर लेते हैं। साइड की ओर मुड़ा लेते हैं इस टाइप से। फिर इधर साइड से मुड़ा लेंगे। सब तरफ से हमने सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रे धागे को कट कर लेते हैं इस टाइप से। तो अब क्या करते हैं, इसको पलटेंगे पीछे की साइड। उससे पहले हमें एक्स्ट्रा वाला कपड़े को निकाल लेना है। इसी टाइप से हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है। फिर इधर से कट करना है। इस टाइप से हमने सब साइड से कट कर लिया। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तो पूरे में हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए, इसी तरह आप भी कट्स लगा लें ताकि आपको पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको हमें पलटना है, तो कैसे पलटते हैं वो देखिएगा, यही मेन स्टेप होता है, इसको हमें पलटना होता है। तो वो इस टाइप से लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हमें फिनिशिंग देनी होती है। ये देखिए इस टाइप से हमने एक साइड का पलट लिया है। अब दूसरे साइड का हम पलटते हैं ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें खींचना होता है। तो इस टाइप से हमने खींच लिया।
ये इस टाइप से हमने इसको भी खींच लिया। अब क्या करना है, इसमें कॉलर हमें कैसे लगानी है, तो पहले हमें शोल्डर को ज्वाइंट करनी है फ्रंट वाले पल्ले में। हम फ्रंट वाले पल्ले में पहले ज्वाइंट कर लेते हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है देख रहे हैं। तो इसको पहले हम शोल्डर जोड़ लेते हैं फिर कॉलर लगा के दिखाएंगे। टाइप से हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है, बैक वाला पे फ्रंट वाला रख के इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। ये शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है, अब इसमें कॉलर लगाएंगे। टाइप से हमने कॉलर रेडी कर लिया है, ये देखिए इस टाइप का। अब हमें क्या करना है, कॉलर को इस तरीके से बीचों बीच लेना है और एक सेंटर में यहाँ पे कट लगाना है। तो ये कट हमने लगा दिया, अब क्या करना है, हाफ हाफ इंच यहाँ से हमें कट करना है कॉलर लगाने के लिए। तो इसको हम इस टाइप से पहले पलट लेते हैं और हाफ हाफ इंच हम इससे फैब्रिक को निकाल लेंगे। इस टाइप से निकाल लिया हमने हाफ हाफ इंच। अब यहाँ पे एक सेंटर पे कट करना है इस टाइप से, ये तो ये सेंटर पे कट हो गया। अब कॉलर ज्वाइंट कैसे होगी वो देखिए, तो इस तरीके से लेना है और यहाँ से ऐसे पकड़ना है और यहाँ से यहाँ तक पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो वो देखिए कैसे लगाते हैं, इसको इस टाइप से रखेंगे, पहले दबा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पहले हम हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा लिया इतना। अब इसके बाद इस धागे को कट करके इसको फ्रंट साइड से अब सिलाई लगाएंगे, ये और ये, और इसके ऊपर से अब इसको सिलाई लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं कॉलर को। इसी तरीके से सिलाई को चलाते जाना है। इसके धागे को कट कर लेंगे, ये कॉलर बन गया है कुछ इस टाइप से। मैं दिखाती हूँ, मैं सेट करके, ये देखिए इस टाइप से कॉलर लगकर रेडी है, ये देखिए। और मैं बैक पोर्शन से दिखाती हूँ, तो देखिए बैक से कुछ इस टाइप से लग रहा है, ये देखिए। तो पूरे को मैं शो करके दिखाती हूँ ये कितना इजी है लगाना। देखिए ये हमारा फाइनल लुक है बैक ओपन कॉलर नेक का। देखिए इस टाइप से आप भी इजीली घर में बना सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं फ्रंट नेक भी दिखा देती हूँ, तो फ्रंट नेक कुछ इस टाइप का है और बैक नेक ये है। तो कैसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है सिंपल में ही। तो फ्रेंड्स इस नेक के कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और डिज़ाइन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।